लग जाएगा कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो बनने वाला है। तो यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चंस होंगे जिसमें सेक्शन ए बी सी और डी होगा। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन बी के बारे में बात करें 6 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के लिए, और सेक्शन डी में 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद मेनली आ जाते हैं हम डायरेक्टली अपने सेक्शन ए पे। तो देख सकते हो कि बेसिक का क्वेश्चन कितना बेसिक तरीके से ये पूछ रहे हैं। डायरेक्टली आपको 168 और 126 का HCF निकालना है। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि यूक्लिड से निकालना है या फैक्टराइजेशन से लगाना है, जो भी आपका मन करे आप उससे निकाल सकते हो। एम्पिरिकल रिलेशनशिप इन्होंने पूछ लिया है आपका, सेंट्रल टेंडेंसी का, ये भी वैसे तो जो मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है सारी चीज़ें, और आपको भी पता होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले की वीडियो में भी अपलोडेड हो चुके हैं। मीन मोड मीडियन को लेकर जो रिलेशनशिप है उसी को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपका सर्कल चैप्टर में से है, जहाँ पर इन्होंने पी ओ क्यू आपको दिया हुआ है और आपको पी टी क्यू यहाँ पर बताना है। तो देखिए कितना इजी हो जाता है, जो आपका सर्कल का कॉन्सेप्ट होता है ये हमेशा 90 डिग्री का बनाता है। तो 90 90 180 तो हो गया, अब इन दोनों को जोड़कर भी 180 होगा, तो आपका अगर ये 110 है तो दूसरी पार्टी अपने आप ही 70 डिग्री हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से कि 325 को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के रूप में। तो उसको फैक्टर करोगे आपका आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्ड आपने निकाला है जो 52 कार्ड्स में से, और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक क्वीन की वो आपको बताना है। सो इजी, और सम ऑफ जीरोस निकालने हैं यहाँ पे। सम ऑफ जीरोस आपको पता है माइनस बी अपॉन में इक्वेशन निकल जाएगा, तो प्लस 8 अपॉन में 2, तो यहाँ पर आपका 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर आपको बताना है किसी भी इरेशनल नंबर का, तो ये भी आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन जो है करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जितनी बार आपका एक्स एक्सिस में और यहाँ पे टच करता है उतने ही आपके क्या निकलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस निकल जाते हैं। उसके बाद डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, सो सिंपल आपको फॉर्मूला हुल लगाना है, निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट इज एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में 2, और नेक्स्ट है वाई वन प्लस में बाई टू अपॉन में 2। तो ये 10 क्वेश्चन तो अब तक हमें काफ़ी इजी दिख रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने ये वाला आपका फॉर्मूला यूज़ करना है, आपका सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके आपका ये निकल जाएगा हमारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इन्होंने कहा कि अगर ये लाइनें पैरेलल होगी तो क्या के का मान आएगा। तो पैरेलल के केसेस आपको पता होना चाहिए कि आपका ए वन अपॉन में ए टू प्लस अपॉन ए वन अपॉन में ए टू इक्वल होता है बी वन अपॉन में बी टू के, और उसी तरीके से आप ये सब कुछ रखोगे तो आपके जो वैल्यूज़ है यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर है, ये भी अगर आप अभी तक तो शायद आपने मोस्टली ने किया नहीं होगा, लेकिन जब आप करोगे ना आपको ये भी काफ़ी इजी लगेगा। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है काफ़ी नॉर्मल यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि साइड्स है ना किसी ट्राइंगल का, अगर आपका 2:3 है तो उसका एरियाज क्या होगा, डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर दोगे 4:9 आ जाएगा। 16 क्वेश्चन है आपका, ट्राइंगल पी क्यू आर एक एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल कर रहा है आर पे, तो यहाँ पे साइन पी आपको बताना है जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्वाड्रेंट जो दिया हुआ है और आपको इसको डायमीटर निकालना है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन फिर से प्रोबेबिलिटी का, और यहाँ पर ये ट्राइंगल में से एक चैप्टर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, एक थ्योरम के बेस पे है। और उसके बाद 28 क्वेश्चन, तो अब तक आपने देखा कि अगर आपने फॉर्मूला बेस्ड कर लिया, अभी थोड़ी देर में जस्ट आपको आधे से एक घंटे में आपको स्टैंडर्ड भी मिल जाएगा अपलोड होकर, तो इसलिए आप टेंशन मत लो कि हाँ बेसिक आ गया स्टैंडर्ड का नहीं आया, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी मत लो। उसके बाद सेक्शन बी के बारे में बात करें, इन्होंने कहा कि दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली हमने क्या करा, टॉस करवाया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप टू हेड्स लोगे। तो टू कॉइन्स के सबसे पहले तो आपको ये पता ना होना चाहिए कि आउटकम्स क्या आएंगे, जो कि ऑफकोर्स आप प्रोबेबिलिटी कर चुके हो तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी में से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो ईजी, मतलब इसमें ना अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद एक आपका ये थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, ये नॉर्मल जब आप करोगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर्कमफेरेंस दे रखा है, आपको एरिया निकालना है सर्कमफेरेंस को यूज़ करके। सबसे पहले आप रेडियस निकाल लीजिए, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल हमारा इजीली निकल जाएगा। अब इन्होंने इस तरीके का मैटर दिया है, और उसके बाद ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट रोट क्यूबिक, यहाँ पे क्यूबिक कितने पॉलिनोमियल है, और उसके बाद बाद में आपको डिवाइड करके भी दिखाना है। इस तरीके का दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके से इन लोगों ने बना दिए। सेक्शन सी में चलते हैं, जीरोस निकालना है और वेरीफाई भी करना है उनके जीरोस को, जो आप अल्फ़ा बीटा सबसे पहले निकालोगे, और अल्फ़ा अपन प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन में, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा आपका सी अपॉन में, उस चीज़ को आपको प्रूव करके दिखाना है, बुक का भी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आपका ड्रॉ करना है आपको एक सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर का, वहाँ से आपको सेंटर से एक आपको टेंजेंट बनाना है, तो
कुछ करना ही नहीं है, इवन आपको सिर्फ ड्रॉ करके ही छोड़ देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपकी जो ये अपोजिट साइड एंड ऑल है, तो इसमें आपको निकालना है कि एरिया जो है इतना निकल के आ चुका है, इन्हें बता दिया, तो आपको इस बात को प्रूव करना है कि हाँ ये सही है कि नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, निकालना तो आपको है ही, तभी तो आप बताओगे कि गलत है या सही। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आता ही रहता है, तो चाहे बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो, हाँ स्टैंडर्ड का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट रूप वाला, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, आपका एच शेप निकल के इसमें भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर से आपका थ्योरम क्वेश्चन है, और नेक्स्ट आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, किस तरीके से इन लोगों ने 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। और उसके बाद आपको निकालना है देन अ न्यू स्टूडेंट, अच्छा इसके नीचे साइड आप, हाँ यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब थोड़ा सा ना बच्चों को इस तरीके के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देंगे, क्या इस तरीके से दे दिया। और उसके बाद डिस्टेंस बता करना है सीता और अनीता के बारे में, तो सीता के पॉइंट ले लो, गीता अनीता के पॉइंट ले लो, उसके बाद निकाल लो। और इन्होंने कहा कौन से दो स्टूडेंट जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम गीता से, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपका चैप्टर से ही, बस थोड़ा सा इन्होंने आपको बच्चों की तरह कॉन्सेप्ट दे दिया है, बट कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि इस वाले कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज हो जाएंगे, बट इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए तो इन्होंने आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है कि आप इस तरीके से अपनी हार्डवर्क करो। यहाँ पर आपको m की वैल्यू निकालना है, जहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस में 3 होता है। नेक्स्ट है कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने जिसकी सम जो स्क्वायर ऑफ का सम होता है वो 365 होता है, तो ये भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। आई थिंक वैसे ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि 10th क्लास के क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि, या तो फिर ये देखने को मिल सकता है आपको 4th चैप्टर या 3rd चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट है AP का क्वेश्चन, ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। 37 चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, और ये क्वेश्चन भी आपका इजी है कॉन्सेप्ट। फिलहाल तो मैंने ये चैप्टर अपलोड नहीं किया है, बट जल्दी अपलोड कर देंगे अब सारी की सारी, जैसे ही आपका फर्स्ट टर्म अभी चल ही रहे हैं, तो जैसे ही खत्म हो जाता है सब कुछ कर लेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम, वैसे भी थ्योरम जो है आपकी बुक में 4 तो हो गए, इसमें आपका ट्राइंगल चैप्टर में 2 हैं आपके सर्कल में, तो दो सभी 6 के 6 थ्योरम आप तैयार रखिए, 6 में से आपको 3-4 तो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए उसको प्रिपेयर रखिए। बाकी उसकी वीडियो भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, वायर को लेकर जो है आपका निकाल सकते हो थिकनेस एंड ऑल। या फिर नेक्स्ट आपका है कि लेस देन ओजाइब करना है, तो आपको इजी ही दे रखा है, लेस देन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालिए और उसके बाद क्या करिए ओजाइब निकालिए। और ये हमारे पूरे 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन देख के इसकी प्रैक्टिस करनी है, और बाकी इसका सॉल्यूशन भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और वैसे आप खुद भी ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो से और सैम्पल पेपर को आराम से देख के देख सकें कि किस तरीके का उनका एग्ज़ाम का जो है पैटर्न आने वाला है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि बेसिक में तो एकदम हलवा आएगा, तो ऐसा भी नहीं है, पर कई लोग सोचते हैं नहीं भैया बेसिक का भी काफ़ी टफ आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो इस तरीके से वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।